तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 की ऑल न्यू यमाहा MT125 के बारे में। तो भाई ये जो है MT125 है, मुझे पता है कि यहाँ पर भाई लिखा हुआ है कि ये MT15 है, लेकिन जो यमाहा की MT125 है, अगर भाई आप लोग लेने का प्लान कर रहे हो MT15 या फिर 125, तो भाई आप 2025 का वेट कर लेना, क्योंकि यमाहा कंपनी 2025 के शुरुआती महीने में लॉन्च करने वाली है अपनी MT125। तो चलिए बात करते हैं कि आपको आने वाली नई यमाहा MT125 में कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और भाई ये सिर्फ एक डेमो है कि भाई हाँ कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो है बात करेंगे MT125 के इंजन के बारे में। तो भाई गाड़ी का जो इंजन होगा वो आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल देखने को मिलेगा। और भाई लिक्विड कूल तो रहेगा ही, क्योंकि भाई इस गाड़ी में VVA रहेगा, चाहे वो 155 सीसी हो चाहे वो 125 सीसी हो। यानी कि गाड़ी में आपको मिल जाएगा ये एक बड़ा सा रेडिएटर, जो कि भाई इसकी जो फिन्स हैं वो काफ़ी जल्दी डैमेज कर जाती हैं, तो आपको इसे संभालना पड़ेगा। बाकी जो गाड़ी का माइलेज होगा MT125 का, वो आपको लगभग मिल जाएगा 50+ भाई मान लो। बाकी जो बाइक का टॉप स्पीड होगा वो आपको 125 के आसपास तक का मिलेगा MT125 में। और जो गाड़ी की एग्जैक्ट पावर फिगर होगी तो उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भाई इंडिया में अलग नॉर्म आता है और अदर कंट्री में अलग नॉर्म्स आते हैं, तो पावर फिगर आपको आगे पीछे मिल सकती है अदर कंट्री के हिसाब से। अगर बात करें गाड़ी के फीचर्स की, तो भाई MT125 में आपको सेम ऐसी फ्रंट में 282 mm की डिस्क ब्रेक मिलेगी, जिसमें कि आपको डुअल पोर्ट वाइब्रे के ब्रेक कैलिपर्स मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको टायर मिलेगा 100/80/17 का, जो कि भाई यही वाली प्रोफाइल आपको MT125 में मिल जाएगी। बाकी जो गाड़ी के एलॉयज हैं वो आपको सेम इसी डिज़ाइन के मिलेंगे, कलर्स ग्राफिक्स मैटर नहीं करते हैं। बाकी आपको टायर मिल जाएगा ट्यूबलेस, और भाई ये जो टायर है आपको मिल जाता है नॉन रेडियल। बाकी जो भाई फ्रंट मिड गार्ड है वो आपको MT125 में अलग कलर का मिलेगा, लेकिन जो डिज़ाइन होगा वो आपको सेम मिलेगा। और भाई जो सियान ब्लू कलर है वो आपको MT125 में भी देखने को मिल जाएगा। बाकी जो है फ्रंट में आपको मिलेगा अपसाइड डाउन सस्पेंशन, जो कि भाई आपको गोल्ड कलर का मिलेगा। इसके भाई जो कैलिपर्स हैं वो आपको रेडियली माउंटेड नहीं मिलते हैं, लेकिन भाई इससे प्रॉब्लम होती है भाई जब आप गाड़ी के ब्रेक अप्लाई करोगे तो आपकी बाइक जो है रोटर के साइड थोड़ी सी तिरछी जाती है, तो भाई ये थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम मिल जाती है इस कैलिपर में, बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बाइक का जो इंजन काउल है वो आपको सेम मिलेगा MT125 में। बाकी जो भाई ब्रांडिंग्स है MT की, कवर अप है रेडिएटर का, तो ये सब आपको MT125 में सेम मिलेगा। जो बाइक के चेसी हैं डायमंड फ्रेम, तो भाई ये आपको सेम मिलेगा, जो कि ये चेसी बहुत मजबूत होती है, तो भाई चेसी वगैरह सेम रहेगी। बाकी जो बाइक का फुटरेस्ट है, मतलब भाई जो बाइक का ब्रेक कैलिपर है ये, और इसके जो ब्रेक के भाई फुट पेजेस हैं राइडर के पैर रखने वाले और पिलियन के पैर रखने वाले, तो ये दोनों आपको मिल जाते हैं फोल्डेबल, और ये दोनों आपको सेम मिलेंगे। बाकी भाई जो ब्रैकेट है ये आपको एलुमिनियम पे माउंटेड मिलेगा, पहले ये चेसी में वेल्ड आता था। बाकी जो भाई MT125 आएगी उसमें आपको सेम यही साइड माउंटेड एग्जॉस्ट कंपनी प्रोवाइड करा देगी। बाकी जो है भाई यहाँ पे आपको मिल जाता है टचअप कार्बन फाइबर फिनिश का, और इसके भाई जो साइड के पैनल्स हैं वो आपको मैट ब्लैक में मिलेंगे, जिस पे कि आपको छोटे छोटे डॉट्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको मैट मिलेगा, यहाँ पे आपको डॉट्स का यूज़ मिलेगा। बाकी जो भाई क्वालिटी है बाइक की वो आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है, आपको एलन की बोर्ड्स का यूज़ काफ़ी अच्छे से मिलेगा। बाकी भाई जो प्लेसमेंट है VVA की, रेडिएटर की, कूलेंट की, पाइप की, वो कंपनी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए भाई, थोड़ा सा वो अजीब तरीके से फिट है। बाकी भाई जो ये इंजन का हेड है ये कंपनी ब्लैक कलर का आपको नहीं देती है, तो भाई R15 में तो चल जाएगा क्योंकि दिखता नहीं है, बाकी यार इसको तो ब्लैक करना ही चाहिए। बाकी जो भाई पीछे का ब्रेक का फ्लूइड है वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, तो ये भाई देख लो क्वालिटी कैसी आती है, तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। बाकी भाई जो इसकी क्वालिटी है इन पैनल्स की, तो वो काफ़ी ठीक है, ये पैनल्स काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। बाकी जो है भाई पीछे कुछ ऐसी आपको मिल जाती है सिंगल पीस में सीट, जो कि आपको काफ़ी शॉर्ट में मिलेगी, और ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है। अगर पीछे आएँ तो बाइक में कुछ ऐसा आपको मिल जाता है सीट का उल भाई, जिस पे कि आपको यमाहा की ब्रांडिंग मिलेगी। बाकी जो ग्राफिक्स हैं वो आपको MT125 में नए डिज़ाइन के देखने को मिल सकते हैं। और बाइक का जो इंडिकेटर है वो आपको मिल जाएगा LED का। बाकी जो है भाई इसमें आपको LED और हैलोजन दोनों ही वेरिएंट मिल जाते हैं, ये टॉप मॉडल है, तो भाई आपको LED के इंडिकेटर मिलने वाले हैं MT125 में। बाकी जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्टर साइड के लिए,
भाई यहाँ पे भी आपको मिलेगा रिफ्लेक्टर पीछे के लिए। बाकी बाइक का जो नंबर प्लेट है वो यहाँ पर आपका फिट हो जाएगा, और जो टेल लाइट है उसकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं। बाकी बाइक सीट खोलने का जो की स्लॉट है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। कुछ आपको बाइक सेंसर्स यहाँ पर मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी जो है यहाँ पर कंपनी ने एलन की बोर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया है। ये सब कुछ भाई आप देख लो, कंपनी ने काफ़ी अच्छे से ब्लैक कलर के सभी बोर्ड्स का इस्तेमाल कर रखा है। बाकी जो एग्जॉस्ट है पीछे से कुछ आपको ऐसा लगने वाला है भाई, पीछे आपको MT125 में मिल जाएगी डिस्क, जो कि आपको सिंगल पोर्ट ब्रेक कैलिपर के साथ मिलेगी। और भाई ये जो कैलिपर है आपको निशिन ब्रांड के साथ देखने को मिल जाएगा। और इसका भाई जो पीछे का टायर है वो आपको MRF ब्रांड का मिलेगा, और इसकी जो प्रोफाइल है वो आपको 140 सेक्शन की देखने को मिलेगी। बाकी भाई जो टायर है उसकी जो ऊंचाई है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। बाकी जो है पीछे कंपनी आपको कुछ ऐसा हगर गार्ड वगैरह प्रोवाइड करा देगी जो कि आपको काफ़ी रोबोटिक लगने वाला है। और भाई इसको निकालने के बाद जो बाइक का लुक है पीछे से वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। पीछे जो है कंपनी इस गाड़ी में आपको प्रोवाइड करा देती है मोनोशॉक एब्जॉर्बर, जो कि भाई स्विंग आर्म के लिंक पे माउंट है, तो वो आपको हम एक बार दिखा देते हैं। तो भाई ये चीज़ जो है कंपनी ने इसको वैसे माउंट कर रखा है। बाकी जो शॉकर है वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट मिलने वाला है। अगर बाइक के इधर आए तो भाई यहाँ पे आपको कुछ ऐसा साड़ी गार्ड देखने को मिलेगा, जो कि भाई ये काफ़ी बेहतरीन लगता है। छोटा सा है, ठीक है, कॉम्पैक्ट है। बाकी भाई इसमें कंपनी आपको कोई भी लेडीज़ फुटरेस्ट नहीं देती है। बाइक का जो स्विंग आर्म है वो आपको मिल जाएगा एल्यूमिनियम का, जो कि यार इससे जो बाइक का लुक है वो काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके जो चेन्स हैं वो आपको काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिलेगी। भाई इस पॉकेट आपको काफ़ी बड़ा मिलेगा, जिससे कि आपको टॉर्क काफ़ी अच्छा ये गाड़ी जनरेट करके दे देती है भाई। तो ये सारी चीज़ें आपको सेम MT125 में भी मिलने वाली हैं। बाकी ये सब कुछ तो फोल्डेबल है, वो आपने देख ही लिया, सॉकर आपने देख ही लिया। तो भाई कुछ ऐसा आपको मिल जाता है ग्रैब रेल, जो कि ये ज़रूरी है, लेकिन भाई इसको निकालोगे तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बाकी भाई गाड़ी में आपको मिलता है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच का फीचर। भाई ये गाड़ी आपको मिलती है सिंगल स्टैंड के साथ। भाई डुअल स्टैंड का कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप उसे यहाँ पर फिट कर सकते हैं RX 135 का। और भाई वो स्टैंड आपके MT125, MT15 और R15 में ईजिली फिट हो जाएगा। अब आते हैं बाइक के ऊपर के साइड। तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाती है हजार्ड की स्विच, इंजन किल स्विच ऑन ऑफ की। बाकी यहाँ पर आपको मिल जाती है स्विच, हॉर्न, इंडिकेटर, पास, अपर डिपर की। बाइक का भाई जो की स्लॉट है वो आपको यहाँ पर मिलेगा टैंक पे। बाकी भाई जो आपका फ्यूल कैप है वो कुछ आपको ऐसा मिलेगा। ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी E20 की। आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे MT के। टैंक का जो पूरा लुक है भाई वो आप चेकआउट कर लो। बीच का जो पार्ट है वो आपको मिलेगा स्काई कलर का। बाकी जो बाइक का कंसोल है वो आपको नेगेटिव डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाएगा। अगर भाई वाइज़र पे आएँ तो जो वाइज़र है वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, जिसपे कि आपको आई शेप दिक्कत मिल जाएंगे DRL। भाई आपको फ्रंट में मिल जाएंगे लाइट्स LED की, जो कि रखी गई है प्रोजेक्टर के साथ। बाकी जो भाई नंबर प्लेट है वो आपकी इधर प्लेस हो जाएगी। बाकी भाई यहाँ की जो सेल फिगर है वो आप देखो भाई, पूरे जो शोरूम्स हैं ना भाई, यहाँ पर बाइकें तो ज़्यादा है ही नहीं, मतलब भाई बाइकें आ नहीं पा रही हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी सेल फिगर आ रही है। तो भाई जो बाइक का पूरा लुक है वो आप चेकआउट कर लो। सेम ऐसी ही MT125 आने वाली है, तो भाई चाहो वेट कर लो। बाकी यार जो भाई गाड़ी का प्राइस होगा वो आपको 1.40 लाख रुपीज़ के आसपास तक का एक्स शोरूम मिलेगा। बाकी जो लॉन्चिंग है वो आपको मार्च के आसपास तक का देखने को मिलेगी MT125 की। तो भाई वेट करना मत भूलना। बाकी यहाँ जो वीडियो है लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।